Well, Malang is a film जो we have made with all our hearts और कहीं ना कहीं उसमें वो zing है, वो energy है जो आज की youth में है. Editors या ये सब लोग film देखते हैं, press वाले, और एक reaction आता है, तो उस first reaction की हमेशा से आपको मतलब producer director को एक होता है कि यार इतना time हमने इस film पे काम किया है. तो सबसे पहले तो congratulation, film को अभी तक जितने लोगों ने भी देखा है, film का बहुत ही अच्छा response आ रहा है. Thank you. Thank you. As a director and producer, क्या कुछ feel करते हैं सर कि film release होने से पहले बहुत ही positive comments आ रहे हैं, बहुत ही positive way से आ रहे हैं. Well, honestly, I don't know about the producer's point of view, but at least from a director's point of view, जब लोगों को picture पसंद आती है जो आपने एक या दो साल पहले सोची है, ऐसा कोई जुबिलेशन या कुछ इतनी खुशी नहीं होती, एक रिलीफ सा होता है कि एटलीस्ट आपकी सोच मानी जा रही है. तो जो लोग बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा खुश है, और ऐसे नहीं, वैसे एक रिलीफ होती है कि अरे थैंक गॉड उन लोगों को अच्छा लग गया. बट मोर देन एनीथिंग एल्स, आई मस्ट क्रेडिट द फैक्ट कि यू नो ये दिस स्टारकास्ट, दे आर पॉपुलर इन देयर ओन वे, बट टू बिलीव मोर इन द कॉन्टेंट एंड द म्यूजिक एंड टू द डायरेक्टर टू मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म, आई मस्ट थैंक माई प्रोड्यूसर्स मोस्टली, कि ये विजन एटलीस्ट मेरा सोचना काम मेरा है, पर एटलीस्ट उसको पर्दे तक लाना इनकी इनका इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई थिंक दैट दे शुड गेट मोर क्रेडिट फॉर दिस. सर क्या कहना चाहिए, अब तो जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सी, आप एक एग्जामिनेशन होता है हर फिल्म का, मीन्स आप जब फ्राइडे आ रहा होता है तो आपको पॉजिटिव, हम तो खुद फिल्म से अटैच होते ही हैं क्योंकि हमने खुद बनाई है, सोच के बनाई है. तो जब कोई बाहर के जन या एडिटर्स या ये सब लोग फिल्म देखते हैं, प्रेस वाले, और एक रिएक्शन आता है, तो उस फर्स्ट रिएक्शन की हमेशा से आपको मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक होता है कि यार इतना टाइम हमने इस फिल्म पे काम किया है, तो अब एक कुछ मालूम चलेगा कि बाहर ऑडियंस को कैसी लग रही है, मीडिया को कैसी लग रही है, तो वो उस चीज़ का एक नर्वसनेस होती है. लेकिन बहुत खुशी है कि हमने कुछ जर्नलिस्ट को फिल्म दिखाई और उनको बहुत पसंद आई, काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ भी दिए और बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं कि थ्रिलिंग फिल्म है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, और म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, सस्पेंस एंगल बहुत अच्छा है. तो यही सोच के हमने फिल्म बनाई है कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑडियंस इसको प्यार दें, और एक उसकी झलक जब मीडिया देख रही है तो उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ी सांसें अच्छी ठीक हो रही हैं, तो बहुत खुशी है इन सबको पसंद आ रही है. अंकुर जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? जब बिल्कुल सेम पॉइंट ऑफ व्यू जो भूषण जी ने बोला, ये एग्ज़ाम की तरह है हमारे लिए. एज प्रोड्यूसर जब हम फिल्म बना रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें लगे होते हैं. तो जब पहली बार प्रोडक्ट बाहर आता है और जब हम क्रिटिक्स को दिखाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं, वो जो पहला जो फीडबैक आता है वो अपने आप में बहुत बड़ा वैलिडेशन है इस बात का कि जो कितनी तैयारी की. एक एक फिल्म बनाने में ऑलमोस्ट एक साल तो लग ही जाता है, डायरेक्टर का उससे ज़्यादा लग जाता है, बट प्रोड्यूसर का एक साल तो लगता ही है. तो वो एक साल काफ़ी जद्दोजहद से जुड़ा होता है, बट इवेंचुअली जब एक फाइनल प्रोडक्ट पर्दे पे आता है और लोगों को अच्छा लगता है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा वैलिडेशन है कि हाँ कुछ अच्छा किया. सर, जैसे कि ट्रेलर, फिल्म तो लोगों को पसंद आ रही है जितने भी लोगों ने, लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दिन ही अनिल कपूर जी ने, आप हम सभी वहाँ प्रेजेंट, उन्होंने ये बात कह दी थी कि इस फिल्म का आने के बाद आप सभी हमारी इंडस्ट्री में इसकी बातें होंगी और ये जो स्टार कास्ट है एंड इस फिल्म का जो अहदा है, लेवल है, वो बढ़ जाएगा एंड अब जितने भी लोग देख रहे हैं. सो प्रेशर बढ़ जाता है कि हाँ इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्टर ने इस तरह की बातें कर दी हैं, तो प्रेशर तो रहता ही है. आई मीन इफ यू डोंट फील द प्रेशर इन दिस बिजनेस, यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस आई थिंक. बट प्रेशर हर फिल्म का रहता है. आई मीन आई फेल्ट प्रेशर इन आशिकी के लोग बोल रहे थे कि उसका म्यूज़िक आपके नदीम शब्द में वो पुराने म्यूज़िक के लेवल पे रहेगा कि नहीं. सो यू फील प्रेशर ऑल द टाइम, पर प्रेशर से यू नो यू कैंट नॉट, यू कैंट स्टॉप मेकिंग फिल्म. वॉट जो अच्छा लग रहा है कि अनिल सर ने मुझे इतने सीजन इस इंडस्ट्री में देखे, इतने सारे यू नो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए, ही इज़ डन मोर देन 150 फिल्म्स. टू डू समथिंग नया, उनको लग रहा है कि उन आफ्टर सो मेनी फिल्म्स उनको लग रहा है कुछ नया कर रहे हैं एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, इज थोड़ा सा खुशी तो होती है उस बात पे. बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एंड इन द एंड वॉट एवर वी से इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इन द एंड वॉट द ऑडियंस फील्स अबाउट इट. सर, आपका क्या कहना चाहिए,
ट्रेलर के पहले ही दिन बता दिया गया था कि इस फिल्म की बातें बहुत दूर तक होगी, हिट होगी, तो आप बताइए उस समय आपकी क्या कुछ फीलिंग थी? से अच्छी फीलिंग होती है, मीन्स अगर आपके किरदार जो फिल्म में जिन्होंने काम किया है उनको इतना कॉन्फिडेंस हो फिल्म पे, और तो एक फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि आप, क्योंकि अनिल जी जैसे मोहित ने भी बोला, इतने सीजन, इतने पुराने एक्टर हैं, इतनी उन्होंने फिल्में की, उनको इतना एक्सपीरियंस है, उनकी इतनी अच्छी जजमेंट है, तो अगर उनके मुँह से एक चीज़ निकली कि ये फिल्म की बातचीत होगी और ये फिल्म, वो तो ये भी, वो तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी, तो अब बहुत खुशी की बात है जो वो कह रहे हैं वो सच हो, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन मैं अनिल कपूर जी के बारे में कहना चाहूँगा, इस फिल्म में सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुणाल ने, अनिल अपना आदित्य ने, दिशा ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग किया। अनिल जी की जो बहुत सालों के बाद जैसे तेज़ाब में उनकी एक झलक देखने को मिली थी, उस दुनिया की चीज़ इन्होंने आज तक की नहीं थी, जो इस फिल्म में दर्शकों को देखने को मिलेंगी। मतलब मैं इतने टाइम बाद देख के इतना मतलब सरप्राइज हो गया था यार कि वाह, मतलब आई वाज टोटली विद द कैरेक्टर, उनके पूरे कैरेक्टर के साथ पूरे उसमें, और इंतज़ार रहता है जैसे फिल्म में ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी चार किरदारों के ऊपर फिल्म घूमती है, तो इंतज़ार रहता है फिल्म में कि कब अनिल जी का किरदार वापस आएगा, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव किरदार है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, आप जब फिल्म में देखेंगे आपका भी आई थिंक यही वो रहेगा, क्योंकि वो इतने, उन्होंने ऑब्वियसली ही इज़ अ सीजन एक्टर, तो वो उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से जिस तरीके से वो करते हैं, हंसाते भी हैं और थ्रिलिंग एंगल भी है, और उनकी एक्टिंग तो लाजवाब है। जिस तरीके से हमें ट्रेलर का रिस्पांस मिला और जिस तरीके की मोहित की ऑडियंस है, सो हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिस्कशन करके भी ये लगा कि इस फिल्म की ऑडियंस सिर्फ हिंदी स्पीकिंग से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए फिर एक जॉइंट कॉल हम सब ने मिलके लिया कि इस फिल्म को हम इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जो साउथ के रीजनल एग्जिबिटर्स थे वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट था, सो वी टुक अ जॉइंट कॉल कि इसको सबटाइटल्स में रिलीज़ करते हैं, ताकि जो लोग हिंदी नहीं भी बोलते हैं साउथ में, वो लोग भी ये फिल्म जो है एंजॉय इक्वली कर पाए। आप क्या मानते हैं? सिमिलर, मतलब यही सेम चीज, जैसे एज अ डायरेक्टर या यू, इट्स अ वेरी गुड कॉल, वेरी बिग थिंग फॉर मी के सब लैंग्वेजेस में लोग, मुझे याद है लव ने बहुत इंटरेस्टिंगली एक रशियन प्रोमो भेजा पिक्चर का, तो आई मीन एंड दिस इज अ बिग रिलीज, दिस इज माय बिगेस्ट रिलीज एवर, तो एज अ फिल्म मेकर यू ऑलवेज वांट कि जितने लोग ज़्यादा आपकी पिक्चर देखे, पहले तो थिएटर में फिर ऑनलाइन, दैट इज़ स्लोली स्लोली आपकी एक सोच फैलती है, सो आई एम मोर देन, जब इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला हम सब टाइटल करें, मैंने तो अभी कर दो यार, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक एवरी फिल्म मेकर डज दैट, वो एक क्या होता है, एक सोच आती है, एंड यू वांट, बिकॉज़ क्या है, मेरा मानना एक फिल्म एक रिलेशनशिप जैसी है, अगले एक साल आपको उसके साथ बिताना ही पड़ेगा, सो इफ़ यू डोंट लाइक इट वो एक बुरा रिलेशनशिप हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो चॉइस उस पर रहता है, बट आई थिंक आई हैव डन फेयरली वेल, मैंने 12 फिल्म बना ली है 15 साल में, तो इतना भी चूज़ी नहीं हूँ कि मैंने कुछ अच्छी बनाई और बाद में चली गई, और ऐसा कोई आदमी बनाता नहीं पिक्चर क्योंकि उसको लगता है कि ये पिक्चर चलने नहीं वाली है, सब अपने दिल से पिक्चर बनाते हैं, आई थिंक दैट गोज फॉर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, बट चूज़ी होना इम्पॉर्टेंट है, बट वी आर इन अ इंडस्ट्री जहाँ पर पहले आप शूट करो फिर इन करो, बेसिकली इन लाइफ के पहले आप गेट द फिल्म ऑन फ्लोर, गेट अ फिल्म, गेट प्रोड्यूसर्स दैट बैक योर विजन, एंड देन आपको वो पिक्चर अच्छी तरह बनानी है, देन द रेस्ट राइज टू व्हेन द बिजनेस पार्ट कम्स, पर आप शुरू शुरू में यू हैव टू डू इट विद द फीलिंग। हाँ नहीं, टी सीरीज और हमारी तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हमने अभी तक तीन पिक्चर, चौथी पिक्चर है जो हम साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही, ये एसोसिएशन सिर्फ प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल एसोसिएशन भी है, हम एक दूसरे को फैमिली की तरह देखते हैं, मतलब हमारे लिए तो भूषण जी बड़े भाई जैसे हैं, तो मतलब ये एसोसिएशन लंबा चलने वाला है, तो मतलब मैं तो सिर्फ लाइक मैंने जैसे बोला चल रहा है, एसोसिएशन बोलूँगा नहीं, ये चल रहा है, चलता रहेगा, तो वी
आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव समवन एज एक्सपीरियंस्ड एंड यू नो लाइक बिग ब्रदर टू अस. भूषण जी हमें कई चीज़ों में जो हमें बिजनेस की समझनी है गाइड भी कर पाते हैं एंड हमेशा कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ खड़े हैं. सो आने वाले दिनों में हम और इस तरह का एसोसिएशन देखेंगे कि हालांकि सीरीज के पास तो ऐसे ढेरों सारे फिल्म हैं लेकिन अगर आप हमारी कुछ और फिल्में हैं जो हम आपस में साथ मिलके बना रहे हैं जिनके अनाउंसमेंट्स वगैरह भी होनी है तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अपना अनाउंसमेंट वगैरह आएंगी तो हम लोग मिलकर फिल्में बना रहे हैं. भूषण जी जो आपकी अपकमिंग फिल्में आ रही हैं थोड़ा सा बता दें कि कितनी तैयारी आप लोगों ने की है क्योंकि थप्पड़ देखा हमने अभी बहुत सारी आ रही हैं तो उनकी अलग अलग तो एक एक तो अभी थप्पड़ का भी इंटरव्यू करना है ना उसमें करेंगे अभी मलंग करते हैं. भूषण जी से ये पूछा कीजिए कि किस हफ्ते में आपकी फिल्म कौन सी एग्जैक्टली आप वो हफ्ता बता दें कि कौन कौन सी फिल्में नहीं आ रही है तो वो बेटर रहेगा. हाँ एक्चुअली अभी तो हर दो हफ्ते में आ रही है अभी तो हर दो हफ्ते में है. वेल मलंग इज अ फिल्म जो वी हैव मेड विद ऑल आवर हार्ट्स और कहीं ना कहीं उसमें वो जिंग है वो एनर्जी है जो आज की यूथ में है यू नो अक्सर बट ए जॉनर लोग कह रहे मैंने किया है पहले बट इट इज़ जॉनर जो हिंदी फिल्मों में हमने हमेशा सेलिब्रेट किया है चाहे गोल्डी साहब की फिल्में हो जूल थी कारवां वो टाइप के या फिर अब्बास मस्तान साहब ने डिरेक्ट किया हो एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर विद अ हार्ट इन इट्स राइट प्लेस. सी मलंग दर्शकों को इसमें सब कुछ है जो आज दर्शक देखना चाहते हैं. इस टाइप की फिल्म में आज म्यूज़िक बहुत पसंद किया जाता है स्पेशली मोहित की फिल्मों तो म्यूज़िक से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है. म्यूज़िक हमारा बहुत अच्छा जा रहा है. इस फिल्म में थ्रिल है इस फिल्म में सस्पेंस है इस फिल्म में वो हर चीज़ है जो एक कमर्शियल सिनेमा को ऑडियंस देखने के लिए कमर्शियल सिनेमा में एक्सपेक्ट करता है. तो जस्ट उम्मीद यही है कि सब काफ़ी लोग ये फिल्म देखने जाएं और इसको ढेर सारा प्यार दें. अंकुर जी रेडी आप? बिल्कुल एकदम रेडी. फॉर मी मलंग एक क्लटर ब्रेकर फिल्म होने वाली है. यू नो आजकल जो कंटेंट आ रहा है उससे बहुत डिफरेंट जो मुझे काफ़ी श्योरिटी है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी. हम सब ने मिलकर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है जिसमें सारे कमर्शियल एलिमेंट्स हैं. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड.